दोस्तों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों प्रातः हो चुके हैं, प्रातः आज है संडे का दिन। आज हम लोग घर पे हैं और हम लोग आज जाने वाले हैं घूमने के लिए संडे को। अनीता का कहना है कि रोज बैठे बैठे हम बोर हो गए हैं, गुन्नू भी कह रहा है बोर हो गए हैं, तो हम घूमने चलते हैं। दोस्तों देखिए, गुन्नू तैयार हो चुका है। गुन्नू ने पहन रखे हैं नए कपड़े जो मैं दिल्ली से लाया हुआ था, ये देखिए, और गुन्नू की कैप, ये देखिए कैप। और गुन्नू कह रहा है कि फ़ोन मेरे को दो, मैं चलाता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम तीनों जा रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ जाएंगे अभी बताएंगे आपको, और आप बने रहे हमारे साथ। मेरा पर्स से पकड़ेंगे ये, अनिता ने देखिए ये अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम, इसमें पैसे भर रखे हैं अनिता ने। दोस्तों आज अनिता पार्टी देने वाली है, क्योंकि अनिता का जो है मैटरनिटी लीव का पैसा आ गया है, पूरा 90,000 रुपया रखा दोस्तों, मम्मी नहीं आया है। तो अनिता ने कहा कि आज मैं पार्टी दूंगी, आज चलो घूमने संडे के दिन, आप मुझे भी समय है और आपको भी समय है, कह रही थी। गुन्नू को भी समय है, गुन्नू भी वेट कर रहा है आज। तो कैसा लग रहा है मैटरनिटी का पैसा? बहुत अच्छा, पैसा किसको पूरा लगता है। दोस्तों अनिता का कहना यह था ना कि आज तक किसी का मैटरनिटी का पैसा आया ही नहीं, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, है ना? तो ये कहना था। मैंने भी कहा कि कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और करा बात, करी इधर जाना उधर जाना, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जैसे मैं आपको आपको मैंने ब्लॉग दिया था लाल कुआं जाने का, लाल कुआं जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करके आया, वापस आया एक हफ्ते में पीछे पीछे पैसा भी आ गया 90,000 रुपये। अनिता की जेब हो गई है गर्म, अब ये हमको गर्म करेगी मार्केट में जाके ठंडा करने मेरी जेब। क्या कर लो बेटा, क्या कर लो, देखो देखो गुन्नू, गुन्नू को आ रही थी नींद, लेकिन अनिता ने इसको जबरदस्ती उठा दिया है। गुन्नू रो रहा था अभी बड़ी मुश्किल से, फोन देखा तो चुप हो गया है। हेलो करो सवा, हेलो हेलो बेटे सवा, हेलो ये देखिए, हेलो हेलो। दोस्तों अनिता ने पैसों से भरा बैग मुझे दे दिया है, अब मुझे अनिता को देना नहीं है, आज इसी से एंजॉय करेंगे, मस्त मजे लेंगे। मैटरनिटी का पैसा लाने में, मंगवाने में, प्रोसेस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। एक एक डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, 10 बार तो हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां बच्चा हुआ था वहां जाना पड़ा, कई फॉर्मेलिटीज वहां पूरी करनी पड़ी, फिर ESI ऑफिस गया 2 से 3 बार तो मैं ESI ऑफिस गया, हरिद्वार से लेके लालकुआं से लेकर के, और डिस्पेंसरी गया, डिस्पेंसरी पहले तीन पानी में थी, अब डिस्पेंसरी काठगोदाम आ चुकी है। दोस्तों कई दिक्कतें हैं, कई जगह जाने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, हमारे जो मैनेजर सर थे वहाँ, शर्मा जी थे जो हिमाचल के रहने वाले हैं, काफ़ी अच्छे मनुष्य हैं, काफ़ी अच्छे प्राणी हैं, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। जहाँ भी कोई दिक्कत आई तो उन्होंने खुद ही उसको सॉल्व भी किया, लेकिन आज फाइनली उन्होंने पैसा आ गया, उनका पीछे फ़ोन भी आ गया था कि आपका पैसा हमने डाल दिया है। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब गुन्नू की मम्मी गुन्नू को पकड़ते हुए, आज गुन्नू के मिजाज देखिए आप, ये चलो बेबी घुमा, ये देखिए गुन्नू के मिजाज, क्या करो बेटा सो गए आप नहीं चलोगे घुमा घुमा, नहीं चलोगे। देखिए दोस्तों गुन्नू को, ये कैप सही करो, सीधा करो, मम्मी से बोलो सीधा करो कैप, हो गया शाबाश, चले चलो। दोस्तों देखिए हमारा खतियाड़ी का नज़ारा, धूप आ चुकी है, सुबह का बज चुका है 12 बजे की धूप है, देखिए काली धूप आ रखी है, कितना शानदार लोकेशन है अल्मोड़ा का हमारा खतियाड़ी। हम जा रहे हैं, अनिता आगे आगे जा रही है गुन्नू को लेकर के, अब हम जाएंगे, आज बहुत कुछ करने वाले हैं हम, बहुत इंजॉय आने वाला है। देखिए गुन्नू को, ये देखिए गुन्नू, गुन्नू बेटे दे दे, कहाँ कर ले, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाओगे? पूरी पार्टी अनिता की है, गुन्नू और मैं पार्टी खाने वाले हैं, अनिता पार्टी कराने वाली है। अब हम जाएंगे कार से, क्योंकि हमें सबसे पहले हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, फिर उसके बाद कहीं और। आज दिन भर का टूर है हमारा, घूमना है, खूब इंजॉय करने वाले हैं, चलते हैं। अनिता का कहना है कि हम बाइक से जाएंगे तो मेरे को डर लगता है गुन्नू कहीं गिरने जाए करके, इसलिए हम कार से जा रहे हैं। दोस्तों हम आ गए हैं ओक बैरल अल्मोड़ा लंच करने के लिए, लंच करेंगे फिर उसके बाद जाएंगे घूमने के लिए। देखिए ओक बैरल डिलक्स रेस्टोरेंट। दोस्तों हमने मंगाया है, सबसे पहले लंच से पहले सूप मंगाया है, ये देखिए वेजिटेबल सूप है ओक बैरल, गुन्नू के लिए कुछ नहीं है, गुन्नू पीला सूप, वेजिटेबल सूप है, ठंडा करके गुन्नू को पिला रहे हैं, गुन्नू को मज़ा आ रहा है पीने में। दोस्तों ये है ओक बैरल,
आज अभी दिन में कुछ स्ट्रेस है नहीं, शाम को ज्यादा रहते हैं हम। अब खाएंगे कढ़ाई पनीर शानदार, और चपाती, ग्रीन सलाद, गुन्नू ने सूप पी लिया है, बहुत टेस्टी है खाना, अच्छा हो रहा है। अनिता की पार्टी बड़ी अच्छी है, पार्टी में मजा आ रहा है ना? अच्छा हो रहा है। दोस्तों देखिए, अभी मेरा लोकेशन है ओक बैरल की छत में, जो रघुनाथ सिटी मॉल है, यहाँ हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं। अब यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं अल्मोड़ा का नज़ारा। ये देखिए कितना शानदार लगता है यहाँ से अल्मोड़ा का कस्बा, खतियाड़ी और अल्मोड़ा मेन मार्केट। देखिए ऊपर तक ये कैंटेरिया दिखेगी आपको, ऊपर आर्मी छावनी परिषद, और देखिए इतनी यहाँ पर लगे हुए हैं गाड़ियाँ, पार्किंग भी है यहाँ पर। पार्किंग का यहाँ अलग से चार्ज पड़ने लग गया दोस्तों, आजकल पहले नहीं पड़ता था, अब 40 रुपये पड़ने लगा है। ये देखिए अनिता भी गुन्नू के साथ एंजॉय करते हुए, यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, हेमवती नंदन बरगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम ये है, इसका काफी कायाकल्प हो चुका है, शानदार जर्मन घास लगी हुई है, इसमें क्रिकेट मैच चल रहा है। देखिए दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं घूमने के बाद मेले में सिमकनी ग्राउंड। अब आपको दिखाते हैं हमारा कुमाऊं महोत्सव में यहाँ सिमकनी ग्राउंड अल्मोड़ा, सिमकनी का ऐतिहासिक स्पोर्ट्स ग्राउंड में मेला चल रहा है। अब दिखाते हैं आपको मेले की झलकियाँ, क्या क्या इवेंट यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत शानदार बहुत तगड़ा मेला चल रहा है दोस्तों। देखिए ये देखिए मेले का स्टार्टिंग मैं आपको करा दूँ, स्टार्टिंग है पान सुपारी से। ये देखिए पान सुपारी यहाँ पर लगी हुई है, तैयार हो रही है। बताइए क्या क्या देते हैं आप? स्वीट पान होता है हरिद्वार का, स्पेशल मीठा पान होता है हरिद्वार का। अच्छा, गला फ्रेश पान होता है मुलाटी वाला, जैसा खाने से मुख फ्रेश, गला फ्रेश पान। बिल्कुल, ये आपने अभी तैयार करके रखे हुए हैं? तैयार अभी हो गए, भी रेडी हो गए, तैयार हो गए। ठीक है ठीक है, ओके। दोस्तों पान है मीठा पान हरिद्वार का फेमस। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको मेले की जर्नी। बहुत दिन हो गए थे मैं आपको मेला दिखा नहीं पाया था, तो अब मेला दिखाते हैं आपको। अब इसके बाद यहाँ बच्चों के लिए देखिए टेडी आ रखे हैं छोटे छोटे, बहुत शानदार टेडी। यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई है, देखिए टेडी खरीदने वालों की। और ये देखिए टेडी खरीदने, भाई सही बिक रहा, अच्छा है टेडी, चल रहा है सही, बढ़िया। हरी अगली जर्नी यहाँ पर पौंड है, पौंड में जो है देखिए बच्चे नाविक बन करके नाव चला रहे हैं, ये बोटिंग कर रहे हैं। ये देखिए पैसा कमाने के एक से एक तरीके आ चुके हैं दोस्तों। ये इन्होंने क्या कर रखा है, ये बम्बू में हवा भर रखी है, हवा भरने के बाद चारों तरफ से इसको अंदर से मोमजाम से पैक कर रखा है, उसके ऊपर से 3 से 4-5 टैंकर जो है पानी भर रखे हैं, पानी भर के इसमें बोटिंग है, और बोटिंग में इसमें कम से कम 20 रुपये इनका किराया है। देखिए कमाने के जरिए आदमी कैसे भी कमा सकता है। ये देखिए हम मेले के मज़े ले रहे हैं, हम आपको भी मेला दिखा रहे हैं। अगला इवेंट है मिक्की माउस, बच्चे कितना कूद रहे हैं इसमें देखिए। भैया क्या चीज़ है ये? तलवार। इससे क्या होता है, बच्चे खेलते हैं इससे? कितने रुपए का है? 120 रुपए का। रात का ब्लॉग मैंने आपको दिया था, तो मैंने सोचा कि दिन का दिखा देता हूँ, दिन का मेला कैसा होता है, रात का कैसा होता है। देखिए यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, ये देखिए बच्चों का हवाई जहाज, ये देखिए देखिए झूला, अभी मैं ही बैठूंगा इसमें, झूले में बैठना है आज। अब आगे हैं दूसरे इवेंट में, हम ये डाल रहे हैं इसमें छल्ला, जिसमें छल्ला पड़ेगा वो चीज़ इनका। देखिए क्या क्या है, पैसे लगे हैं इसमें, जूस है, और देखिए क्या क्या है।
ये गेम है मगरमच्छ, ये बहुत डरावना है दोस्तों। अभी हम बैठेंगे इसमें, अभी जा करके बैठेंगे और देखिए मेले की झलकियां, सिमकनी मैदान और कुमाऊं महोत्सव अल्मोड़ा, बच्चों का कूदने वाला देखिए। इसमें अभी तन्नों खुशी चाहिए थे कूदने के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। मीशो हमारी देखिए, यहाँ दुकानें भी लगी हुई हैं, जीन्स है, लोअर है और देखिए ये देखिए दोस्तों ट्रेन, ये बच्चों की ट्रेन है देखिए, ये नए नए इवेंट आ रखे हैं। देखिए अनीता भी आ गई है, अनीता और अंजू भी आए हैं। ये टेबल का कवर ले रही है अनीता, मुझे देखा नहीं है अभी, मैंने देख लिया इनको, देखिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए क्या क्या रखा है यहाँ पे, धन है, चुकुटे बोलते हैं इनको, भैया क्या रेट चल रहा है, ये क्या रेट है, वो क्या रेट है, ये 1200 का जोड़ा, 1200 जोड़ा, दो पीस 600 का एक है। अच्छा, और ये धन जैसे कम से कम 800 का है, 1200 का है, 1500 का है, 1500 का है, 2000 है, 2500 है, जैसे वैरायटी लोगों से। अच्छा, ठीक है। यहाँ ब्लॉगिंग करने का उद्देश्य एक ही है कि आपको हमारे जो सिमकनी में मेला होता है, मेला दिखाने का। दोस्तों आज बैठ रहे हैं झूले में, हमारी टीम है पूरी, ओ मैंग के हेलो, मैंग को बैठाएंगे झूले में, उसके बाद कहाँ बैठेगा, उसके बाद कोलंबस में, कोलंबस में हाँ, दो बार हाँ, सुबह बैठा था इसमें, आप जिम में भी बैठे थे, मजा आए थे, मजा आए, और कल भी बैठे थे, मजा आए थे, पर कल ये लोग नहीं आए थे। दोस्तों देखिए काफी लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारी भीड़ है, और ऐसे कौन कौन, किस किस को डर लगता है, किसको, तुमको नहीं लगता ना डर, इसको लगेगा, ये मेरे साथ बैठेगा ठीक है, मेरे को भी लगता है भाई, मैं का डरना मत। हम लोग झूले को जा रहे हैं, चलो चलो बाय बाय। दोस्तों देखिए हम लोग बैठ गए हैं, ये भाई डरता था तो इसको मैंने अपने साथ बिठा लिया है, बाकी मंकू लोग दूसरे उसमें चले गए हैं। अब आपको दिखाते हैं झूले से मेले का नजारा, ये देखिए ये मेले का ऐसा लग रहा होगा कि ड्रोन से वीडियो बन रही है। ये देखिए दोस्तों, ये नीचे कोलंबस वाला चल रहा है, ये बगल दूसरे वाले में बैठे हैं इसके भाई लोग। अब ये देखें, अब यहाँ से देखें नज़ारा, क्या शानदार अनुभूति है, शानदार नज़ारा है। अब भाई से पूछते हैं, डर लग रहा है, नहीं लग रहा, डरना मत ठीक है, मेरे साथ रहना, बस पकड़े रखना, क्या शानदार नज़ारा है। दोस्तों देखिए अभी डिब्बे भर रहे हैं झूले के धीरे धीरे, अब नीचे आ चुके हैं हम लोग, ये अब जा रहे हैं ऊपर, अब चलेगा फर्स्ट क्लास, अब रेस पकड़ चुकी है झूले ने, ये देखिए आराम से बैठ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, पकड़े रख बस, पकड़े जा आराम से, कुछ नहीं होता, पकड़े जा बस, बदल ले, और सर भी घूम रहे हैं ना। दोस्तों अब बैठेंगे हम कोलंबस में, ये कोलंबस है, ये देखिए कहाँ तक जा रहा है, देखिए
देखिए हम बैठ चुके हैं कोलंबस में, अब इसके मजे लेते हैं। पहली बार बैठ रहे क्या? नहीं तो बैठे हैं बहुत बार। हाँ। अरे डर लगती है ना। डर तो लगती है बहुत। उसमें कितनी डर लगी? उसमें भी लगी बहुत, लेकिन मतलब मजा आता है। मतलब मजा आता ना। कहाँ से आए तुम लोग? मैं बागेश्वर का। बागेश्वर कहाँ रहता है? मैं बागेश्वर वहाँ रहता हूँ, वही द होटल। बैंक गिरे गए यहाँ से। देखिए दोस्तों ये देखिए, अब इसमें हम चलेंगे। काफी डर लगने वाली है, हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। ये लोग ऊपर चढ़े हैं लेकिन हम डर के मारे नीचे बैठे हैं, ताकि यहाँ से कहीं गिरने का ना हो पाए। यहाँ पर छोले भटूरे बन रहे हैं और आगे को पाव भाजी है, डोसा है, चाउमीन है। आप